इसमें मिट्टी का घोल बनाए हैं दोस्तों, और इधर मैं गोबर से लीप रही हूं। चंदन अभी यहाँ पर चारपाई पे बैठे हैं, थोड़ा आराम है इनका, दवा तो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज हमारे यहाँ हवा बहुत तेजी से चल रहा है, मैं वीडियो शूट की हूँ दोस्तों। तो सभी दीदी बोलती थी, संगीता कभी गोबर की लिपाई करके दिखाइए घर का। तो और भी काम की हूँ और गोबर से लिपाई की हूँ, और वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखना। और मैं कल वीडियो जो भेजी थी तो चंदन का थोड़ा तबीयत खराब था दोस्तों, और मैं भी परेशान थी, और अब इस समय थोड़ा आराम है, दवाई खा रहे हैं। तो वैसे तो अब दवाई तो इनका लंबा चलेगा, लेकिन आप सबने ढेर सारा जानकारी भी दिए हैं, परहेज भी बताए हैं, तो आप सबने बहुत अच्छे से टिप्स बताए हैं दोस्तों। मैं जब जो हो सकेगा मैं आप सबके बताए हुए टिप्स को जरूर उसको फॉलो करूंगी। दवा तो बराबर करा रहे हैं दोस्तों, दवा का कोर्स पूरा कराएंगे, यही सब है दोस्तों। मामा से नमस्ते, मामा से नमस्ते, मामा से नमस्ते। तो दोस्तों हमारे जितने बहन भाई कल वाले वीडियो में इतना अपना ढेर सारा आशीर्वाद और अपना टिप्स बताए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप सबके बातों का जरूर ध्यान में रखूंगी, और मैं घर पे चलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों घर की लिपाई करने जा रहे हैं गोबर से, और यहाँ पर अंजलि साइड हो जाओ, तो झाड़ू लगा रहे हैं। अभी खाना मैं बनाई हूँ और सारा बर्तन मैं बाहर ले जाके रख रही हूँ। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आज हमारे यहाँ हवा बहुत तेज से चल रहा है, तो यहाँ मैं तसले में मिट्टी भिगा दी हूँ, और अब चलती हूँ घर की लिपाई करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं पानी रखती हूँ, चलती हूँ लिपाई करती हूँ। तो गोबर और मिट्टी दोनों मिलाकर लीप रहे हैं। कई बार मैं मिट्टी से लीपी थी दोस्तों, आप सब बोले थे कि संगीता जी गोबर से लीप कर दिखाइए, वो अच्छा लगता है देखने में, तो मैं गोबर से लीप रही हूँ आज घर को। तो दोस्तों यहाँ तक मैं लीप ली हूँ गोबर से, और देखने में बहुत अच्छा लगता है सच में जब गोबर से लीपा जाता है घर। तो थोड़ा इधर बाकी बचा हुआ है, गैस को हटाकर वो गैस चूल्हा हटाना पड़ेगा लीपने के लिए। तो इधर की लिपाई कर ली हूँ, अब गैस चूल्हे के नीचे का लिपाई करना बाकी है। तो यहाँ पर रख लेती हूँ जहाँ पे लीपी हूँ, अब यहाँ पर लिपाई करेंगे। गैस चूल्हे को पहले से मैं साफ कर ली हूँ, और फिर घर की लिपाई करते हैं। कभी भी वैसे मिट्टी से गिर गई, इतना तो रोज पड़ता है। तो यहाँ मैं द्वार पे लिपाई कर चुकी हूँ दोस्तों, ये देखिए पूरा घर तो लीप चुकी हूँ। तो दोस्तों मैं घर की पूरी लिपाई कर चुकी हूँ, अब बाहर के लीपना बाकी है, और तो लीप लेते हैं। जी जल्दी लीप लेते हैं, बाकी और काम करना है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है लीपने के बाद में। मैं चूल्हे को लीप लेती हूँ। तो इस साइड भी लीपेंगे, थोड़ा चूल्हे में मिट्टी लगा लेते हैं। तो इसमें मिट्टी का घोल बनाए हैं दोस्तों, और इधर मैं गोबर से लीप रही हूँ। तो यहाँ मैं चूल्हे की लिपाई कर ले रही हूँ, और चलती हूँ इसको साफ कर लेती हूँ।
तो आज हवा चल रहा है हमारे यहाँ, तो सारा धूल मट्टी ये सब बर्तन में जम गया और इतना सारा खाना नहीं बना था कि ये गंदा हो गया है, बाकी ये धूल मिट्टी जमने से हो गया है, तो इसको साफ कर लेते हैं। और धूप बहुत तेजी से हो रहा है इधर अब 2-3 दिन से, और देखिए किस तरह हवा चल रहा है। तो हवा तो बहुत तेज चल रहा है, शायद आवाज इसमें कैमरा में जाता होगा कि नहीं जाता होगा। और माँज रही हूँ बर्तन, तो सभी बर्तन को माँज लेती हूँ इसी तरह, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो बर्तन तो लगभग साफ कर चुके हैं, पूरा आधा घंटा हो गया साफ करते हुए। और तो दोस्तों हमने सभी बर्तन को माँज लिया है, अब चलती हूँ धुलती हूँ, और थोड़ा टाइम तो लगेगा धुलने में। तो यहाँ मैं टब में पानी ले ली हूँ दोस्तों, और धुल रही हूँ। तो बर्तन को 2-3 बार धुलना पड़ेगा, धुल रही हूँ, तो इससे आसानी से ये उठ जाता है। तो हवा देखिए कितना तेजी से चल रहा है, तो ये देखिए हवा कितना तेजी से चल रहा है यहाँ। तो दोस्तों मैं बर्तन को धुल ली हूँ, और अंजलि यहाँ पर बैठी है, और चंदन अभी यहाँ पर चारपाई पे बैठे हैं, थोड़ा आराम है इनका, दवा तो खिला रहे हैं। और मैं बर्तन को धुल ली हूँ, अब चलती हूँ, बाकी और काम है करना, वैसे काम करते करते दिखाना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब चलती हूँ दोस्तों, हम नहा लेते हैं, और वहाँ कुकर पे रख दिए हैं उबलने के लिए आलू, तो वो उबल रहा है, अभी बनाना है रेसिपी। तो दो वीडियो आज शूट करेंगे एक साथ में, चंदन के पापा बना रहे हैं वीडियो। मैं घर की लिपाई कर चुकी हूँ दोस्तों, और ये देखिए कुछ इस तरह लिपाई की हूँ, और चंदन यहाँ बैठे हैं, नमस्ते कर लो चंदन। नमस्ते। तो यहाँ पर ये देखिए चूल्हे को लीप दी हूँ अच्छे से, और ये देखिए घर की कुछ इस तरह लिपाई हो चुकी है, थोड़ा अंधेरा आता होगा। और यहाँ मैं कुकर को रखी हूँ आलू उबलने के लिए, तो कुछ इस तरह। तो सारा काम कर चुकी हूँ, और सब्जी बनाने के लिए सब्जी तोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ इस तरह इसमें सब्जी लगी हुई है, और यहाँ तोड़ रहे हैं। तो अब की बार इसमें ये जमीन में ही फैला हुआ है, और बहुत लगाए थे तो उस समय धूप में सब जल गया था। देखिए कितना बड़ा यहाँ फरा हुआ है, तो इसमें से 2-3 बार तोड़ के मैं बनाई हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी तरोई फरी हुई है। तो इधर अच्छे से बैंगन का पौधा लग गया है, अब इसकी निराई गुड़ाई करना है, और पानी की सिंचाई तो नहीं करना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में पानी बरसता रहता है। और यहाँ गोभी का जो पौधा लगाई थी, ये देखिए ये भी लग गया है। तो दोस्तों इधर टमाटर का पौधा देखिए कितना अच्छे से लगा हुआ है, और ये देखिए बनाती हूँ। तो दोस्तों सब्जी को तोड़ ली हूँ, अब चलती हूँ घर पे। तो हवा से सब यहाँ जो पॉलीथीन और सब ये कपड़े उड़ जा रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए कितना तेजी से हवा चल रहा है, और अब तो थोड़ा हवा कम हो गया है, नहीं तो और तेजी से चल रहा था सुबह से। सबको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना दोस्तों। और कितना बार नमस्ते हो रहा है। तो यहाँ पर अंजलि खेत में आए हैं दोस्तों, वीडियो को खत्म भी किए हैं, शुरुआत भी किए हैं, वैसे घर पे सारा काम मैं कर रही हूँ। इसी साइड पे वहाँ पर मैं वीडियो शुरू की थी, और ये देखिए शाम का टाइम है दोस्तों, दिन यहाँ डूबने वाला है, बस 1 घंटा टाइम और बचा है, थोड़ा वीडियो धुंधला भी आता होगा तो इसके लिए माफ करना, क्योंकि बहुत लेट हो गया सारा काम करने में, और बच्चों को भी संभालना, और चंदन को पानी भी गर्म करके देना, और उनको सब। तो वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।